उधर की जान सकते थे वहां की जान सर जा ओए तेरे ने पर रे बेटा पर रे चलो घर पर चल पहले ए ए तेरा वाला हेलो दोस्तों, जैसे आज फिर हम आए हैं लखियाबाद सांप को रेस्क्यू करने के लिए। और ये जो सांप आपने देखे हैं ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, बहुत ही खतरा सांप है। यहाँ हम करीब 4-5 रोज पहले आए थे यही घर में सांप रेस्क्यू करने के लिए। इस घर में सांप घुसा हुआ था और हम रेस्क्यू करके फॉरेस्ट में रिलीज भी किए थे। और देखिए अभी हमको फोन के माध्यम से सूचित किया गया कि फिर सांप इस घर में आ गया है, तो आके हम देखें ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो सांप तो नजर आ गया, अभी सांप को मैं रेस्क्यू करता हूँ। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहे क्योंकि सांप को कुछ भी हो सकता है, खतरा है, डेंजर है। तो रेस्क्यू अब करते हैं, आप हमारे वीडियो में बने रहिए। सामने धोनी लेके हो फिर घूम के आएंगे। वाह वाह वारे वारे खड़े। हाँ काले सा दिदा कर ना लगा हां अरे साफ है चाचा वही वाला ना रही सर है कौन नहीं है ये दूसरा है दिदा कर थोड़ा ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, यानी हम लोग यहाँ के भाषा में इसको नाग कहते हैं, गेहन भी कहते हैं और बांग्ला से खारिश कहते हैं। और इसका एक साइंटिफिक नाम है नाजा नाग। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग मतलब यहाँ के ग्रामवासियों से, जैसे भी सांप निकलता है हमें फौरन फोन करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सांप को मारना नहीं चाहिए। सांप हमारे पर्यावरण मित्र, सांप तो ये जो सांप है अभी जैसे कि यहाँ पर ही छुपा हुआ था, अपने भोजन या के तलाश में आया हुआ था, तो जैसे कि इसका ऊपर पैर पड़ जाए या इसका ऊपर चोट लग जाए तभी ये मार करता है, नहीं तो ऐसे ये काटता नहीं। अभी हम छोड़ देंगे तो आपका पैर मतलब चढ़ के चल जाएगा, मगर काटेगा नहीं जब तक इसका ऊपर पैर नहीं पड़ेगा। अगर यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सांप काटे फौरन पीएमसीएच जाए, झाड़ फूस के चक्कर में ना रहे। क्योंकि मैं कल का एक बात बताना चाहता हूँ, ये टुंडी का, टुंडी का एक लड़का जैसे 10-12-13 साल का लड़का है, यही आदिवासी लड़का था, उसको जो है सांप बाट किया था पूर्वी टुंडी का। हाँ सांप बाट किया, वो ले जाके मतलब वही झाड़ फूस में लेके चला गया। तो जैसे कि हम मैं बोलता हूँ कि ये जो भैनवेश जहर वाला सांप अगर काट ले तो कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र ठीक नहीं कर सकता। वो झाड़ फूक में लेके चला गया और उसके बाद जो है वो तो क्या करेगा, वो जो है कि अपने झाड़ फूक किया मगर कुछ हुआ नहीं, लास्ट में क्या लड़का डेथ कर दिया।
तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी तरह सांप काटे तो फौरन पीएम से जाए, अगर बचना है तो। अगर आपका घर का परिवार का किसी सदस्य को काटे, अगर बचाना है, अगर उस सदस्य से अगर प्यार है तो उसको फौरन पीएम से लेके जाए। वहाँ एंटी अभियस दवा इसका अवेलेबल उपलब्ध है, ठीक हो सकता है। और ऐसे अगर आप झाड़ फूक में लेके जाइएगा तो यही होगा, क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा सर्पदंश से मरता है आदमी, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा 98% आदमी मर जाते हैं यही झाड़ फूक के चक्कर में। आदमी बता देता है कि लेके चला जाए। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी तरह सांप देखे तो सांपों को मारे नहीं, सांपों को बचाए रखे। और किसी तरह घर में हो, कुआ में हो, किसी तरह सांप से दिक्कत है तो हमारे हर एक वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आ जाएंगे और सांपों को रेस्क्यू करके इसको पुनर्वास के लिए इसको फिर फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों इन्हीं के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।